सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 10K और 15K की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप जाके चेकआउट तो कर सकते हो फरवरी मंथ के लिए। बट गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 7000 जो कि आप फरवरी 2018 इंडिया में परचेस कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एंड तक पता लग जाएगा कौन से बढ़िया 5 स्मार्टफोन है जो कि आप फरवरी के मंथ में यहाँ पर परचेस कर सकते हो। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं जो कि आप 7000 में इंडिया में परचेस कर सकते हो फरवरी में, वो ये आता है टेनोर की तरफ से। गाइज, ये मोबाइल का नाम है टेनोर ई। गाइज, अगर ये वेरिएंट की बात करें तो ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, 2GB 16GB और 3GB 32GB का वेरिएंट। गाइज, पहले जब ये लॉन्च हुआ था ऑफिशियली तो ये इसकी प्राइसिंग जो थी 9000-8000 के आसपास थी। बट गाइज, अगर आप अमेजोन पे जाओगे तो यहाँ पर जो 2GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 6000 की प्राइस पॉइंट पे, और जो 3GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 7000 की प्राइस पॉइंट पे। और गाइज, ये प्राइस पॉइंट पे टेनोर ई बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। गाइज, यहाँ पर ये फोन के स्पेसिफिकेशन या प्रोस की बात करते हैं तो गाइज, यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको प्लास्टिक का मिलता है, बट अच्छा खासा आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले यहाँ पर आपको 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला मिलता है। जी हाँ, 7000 में कोई ब्रांड आपको फुल HD डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करता है, यहाँ पर टेनोर ई में आपको फुल HD 6000 के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। एज वेल एज यहाँ पर आपको गॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर के लिए यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 430 देखने को मिलेगा जो कि 1.4 GHz पर क्लॉक कराया गया है। एड्रिनो का 505 का GPU भी देखने को मिल जाएगा, तो परफॉर्मेंस वगैरह भी आपकी ये फोन में बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, और डे टू डे टास्क में भी बहुत अच्छा फोन रन करेगा 6000-7000 की प्राइस पॉइंट को देखते हुए। रैम और स्टोरेज की बात करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया 2GB 16GB 3GB 32GB दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया बात है कि दो सिम के साथ साथ आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। कैमरास की बात करते हो, इस बैक में आपको 13 MP का कैमरा मिलेगा, फ्रंट में आपको 5 MP का कैमरा मिलेगा। दोनों कैमरा बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और गाइज, अगर आपको 7000 की जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ सबके सब कैमरा एवरेज रहने वाले, क्योंकि 7000 में गाइज आपको iPhone 10 जैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो कैमरा आपको सभी फोन में एवरेज देखने को मिल जाएंगे। तो 10 और ई में भी आपको एवरेज कैमरा 7000 की प्राइस पॉइंट के सबसे डिसेंट परफॉर्मेंस वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा। सेंसर्स यहाँ पर ये फोन में आपको सभी तरीके के मिल जाएंगे। बैटरी लाइफ आपको 4000 mAh की देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर 1.5 से 2 दिन आपका नॉर्मल टू मॉडरेट यूज पर निकाल देगी। और गाइज, यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 7.1.2 आउट ऑफ द बॉक्स नुगट मिल जाता है, स्टॉक लाइट आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेनोर ई 7000 में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। गाइस, 6000 वाले को स्किप कर दो, 7000 वाला परचेस करो, क्योंकि वहाँ पर आपको रैम 1GB बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा, एज वेल एज 32GB इंटरनल स्टोरेज है, वो भी आपका 1000 में बढ़ के मिल रही है, तो 7000 वाले को मैं रिकमेंड करता हूँ। और गाइस, नीचे बेस्ट बाय लिंक दे दिया हूँ 7000 वाले की, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्मार्टफोन की बात करते तो ये आता है शॉमी की तरफ से। गाइज, यहाँ पर इसका नाम है शॉमी रेडमी 4 रेगुलर वाला। गाइज, ये भी आपको 2 या 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 2GB 16GB 3GB 32GB और 4GB 64GB। तो गाइज, यहाँ पर जो 7000 की प्राइस पॉइंट पे वो आपको देखने को मिलता है 2GB 16GB वाला वेरिएंट। तो गाइज, यहाँ पर भी ये फोन बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, और बहुत ही हिट फोन है रेडमी नोट 4 के बाद, रेडमी 4 सबसे ज़्यादा इंडिया में बिका है। गाइज, यहाँ पर ये फोन के स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो गाइज, यहाँ पर जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो मेटल का यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिलता है, टॉप और बॉटम में प्लास्टिक का पोर्शन दिया हुआ है। तो गाइज, 7000 में बिल्ड क्वालिटी आपको रेडमी 4 में बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो गाइज, यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट साइज का डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 5 इंच का डिस्प्ले 720p रेजोल्यूशन के साथ में आता है, 2.5D कर्व ग्लास भी देखने को मिल जाएगा। तो स्पेशली ये फोन उन लोगों के लिए जिन्हें कॉम्पैक्ट साइज के डिवाइसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रोसेसर की बात करते तो गाइज, यहाँ पर लगाया गया स्नैपड्रैगन का 435 का प्रोसेसर जो कि अगेन एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 1.4 GHz पे क्लॉक कराया गया। और गाइज, यहाँ पर बात करते हैं ये फोन के GPU की, तो गाइज, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एड्रिनो का 505 का GPU जो कि अगेन गेमिंग एक्सपीरियंस वगैरह आपका ये फोन में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। डे टू डे टास्क में भी MIUI पे ये बहुत ही अच्छे से रन कर लेता है। कैमरास की बात करते तो गाइज, यहाँ पर भी आपको बैक में 13 MP का कैमरा मिलेगा, फ्रंट में 5 MP का कैमरा मिलेगा, जो 13 MP का अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्डिंग फोटो क्वालिटी ले लेता है, लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल करता है, तो गाइस 7000 में आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। 7000 के हिसाब से रियर कैमरा आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है, फ्रंट फेसिंग कैमरा भी 5 MP का आपको डिसेंट मिलता है, एवरेज बोल सकते हो। हाँ, कंपटीशन वाले फ्रंट फेसिंग कैमरा में रेडमी से आगे है ये प्राइस पॉइंट पे भी, बट यहाँ पर आपको एवरेज फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। और आपको स्टोरेज की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया आपको 7000 में आपको 2GB 16GB वाला जो वेरिएंट मिलता है वहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है, तो ये आप बोल सकते हो ये फोन का कौन है क्या। यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब आप 2 सिम लगाओगे तो मेमोरी कार्ड नहीं लगाओगे, मतलब नहीं लगा सकते हो, 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हो।
सेंसर आपको सभी तरीके के मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको बैक में मिलेगा, एयर ब्लास्टर भी ये फोन में देखने को मिल जाएगा। 4000 mAh की मैसिव बैटरी है, फोन बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रन करता है, 1.5 से 2 दिन आराम से ये फोन में आपका निकल जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले भी 720p है, प्रोसेसर भी बहुत ही पावर एफिशिएंट है, 1.5 से 2 दिन तो नहीं मतलब आराम से आपका निकल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंसर तो आपको बता दिया गाइज, और यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की बात करते हैं, तो गाइज ये जब आया था जब मार्च में लो पता, बट अब इसको नोगट का अपडेट मिल चुका है और MIUI 9.2 पे अभी करंटली वर्क कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फास्ट क्विकली यहाँ पर रिस्पॉन्स करता है फोन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो Redmi 4 7000 में स्टिल वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है एज कम्पेयर टू बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, तो ये फोन भी आप ले सकते हो 2GB 16GB वाला वेरियंट Redmi 4 का। सो गाइस थर्ड स्मार्टफोन की बात करते हैं तो ये आता है इनफोकस की तरफ से, ये डिवाइस का नाम है इनफोकस विजन 3। गाइस ये एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है 2GB 16GB वाला वेरिएंट, प्राइसिंग रखी गई है 7000 रुपये। गाइस यहाँ पर बात करते हैं ये फोन के फीचर्स की, तो गाइस यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको पूरी की पूरी प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है, बट बिल्ड क्वालिटी दिखने को तो बहुत अच्छी है, मेटेलिक टाइप के आपको गोल्ड कलर में ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगी, बट पूरा का पूरा फोन यहाँ पर प्लास्टिक का बनाया गया है। डिस्प्ले की बात करते हैं जो कि ये फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, गाइस यहाँ पर आपको 7000 में 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो इनफोकस वालों ने दिया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है कि 7000 में आपको ये कोई ब्रांड ज्यादा ब्रांड नहीं है जो प्रोवाइड करते 18:9 का डिस्प्ले। यहाँ पर जो डिस्प्ले की साइज है वो आपको मिल जाएगी 5.7 इंच का, रेजोल्यूशन जो मिल जाएगा HD+ है, फुल HD नहीं है, और गाइस यहाँ पर आपको 2.5D कर्व ग्लास भी देखने को मिल जाएगा, तो डिस्प्ले ये फोन का आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, इतना शार्प नहीं है बट फिर भी 7000 के हिसाब से आपको डिसेंट डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करते हैं जो कि यहाँ पर आपको वही ओल्ड MediaTek का MT6737 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 1.3 GHz पे क्लॉक कराया गया, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस ये डिवाइस में आपको एवरेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, तो ठीक ठाक से आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगा। गेमिंग वगैरह आप ज़्यादा करते हो तो डेफिनेटली आपको लैग शटर देखने को मिल सकते हैं, बट डे टू डे टास्क में आपका नॉर्मल अच्छे से फोन चल जाएगा अगर आप बेसिक यूजर हो तो। यहाँ पर रैम और स्टोरेज की बात करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया एक ही वेरिएंट में लॉन्च होता 2GB 16GB, और यहाँ पर एक चीज़ ये खराब है कि यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, तो अगर आप 2 SIM यूज़ करोगे तो मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो, 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो, तो हो सकता है कि ये फोन में आपको स्टोरेज की कमी देखने को मिल जाएगी। कैमरास की बात करें जो कि अगेन ये फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, गाइस बैक में आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है 7000 की प्राइस पॉइंट पे, 13 MP का प्राइमरी कैमरा है, 5 MP का डेप्थ सेंसिंग वाइड एंगल लेंस का कैमरा है, तो यहाँ पर आप वाइड एंगल का कैमरा जैसा LG के फोन में आप देखने को मिलता है, हाँ वैसा उतना अच्छा तो नहीं है बट फिर भी आपको वाइड एंगल ये प्राइस पॉइंट पर प्रोवाइड करा है, बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ पर आपको बैक कैमरा एज वेल एज फ्रंट फेसिंग कैमरा में पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि इतना अच्छे से काम नहीं करता है, फिर भी दे रहे वो बात अच्छी है, नहीं रहने से अच्छा कुछ रहना बेटर रहता है। और फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो 8 MP का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है। कैमराज की बात करें तो गाइस ये इसका रिव्यूज़ वगैरह मैंने देखा हूँ, कैमराज बैक कैमरा एज वेल एज रियर कैमरा 7000 में वैल्यू है, या आप बोल सकते हो कैमरा ये फोन के में बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं गाइस यहाँ पर ये फोन के बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ में भी आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी गाइस, यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, क्योंकि गाइस डिस्प्ले 720p का है, MediaTek MT6737 है, तो आराम से 1.5 से 2 दिन आपका यहाँ भी निकल जाएगा नॉर्मल टू मॉडरेट यूज पे। एंड्रॉइड वर्जन और UI की बात करते हो गाइस, यहाँ पर आपको नोगट 7.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, और स्माइल UX करके इनका खुद का स्क्रीन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सेंसर्स की बात करते हो गाइस, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में देखने को मिलता है, जायरोस्कोप आपको ये फोन में देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब सेंसर आपको ये फोन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस 7000 में आपको नए ट्रेंड के साथ में जाना है, 18:9 का डिस्प्ले आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, गेमिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करते हो, स्टोरेज ज़्यादा नहीं लगती है, तो डेफिनेटली 7000 में भी आप इनफोकस विजन 3 परचेस कर सकते हो। गाइस फोर स्मार्टफोन की बात करते तो ये अगेन आता है टेनोर की तरफ से, ये डिवाइस का नाम है टेनोर डी। गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर यहाँ पर टेनोर ने प्रोवाइड करे, प्राइस पॉइंट को देखते हुए गाइस जो 2GB 16GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 5000 की प्राइस पॉइंट पे, और जो 3GB 32GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 6000 की प्राइस पॉइंट पे। और गाइस यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये फोन के फीचर्स की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको मेटालिक टाइप का दिखता है, बट पूरा का पूरा फोन प्लास्टिक है। गाइस 5 से 6 हज़ार में आपको मेटल वगैरह बहुत ही कम ब्रांड प्रोवाइड करते हैं, तो ठीक है बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर ये फोन में एवरेज देखने को मिल जाती है, बट गाइस डिस्प्ले यहाँ पर आपको ये फोन में 5.2 इंच का 720p का IPS डिस्प्ले मिलता है, जो कि अगेन बहुत ही डिसेंट पैनल आपको ये फोन में देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर ये फोन में प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर, जो कि क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 1.4 GHz पे क्लॉक कराया गया है। GPU की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको एड्रिनो का 308 का GPU देखने को मिल जाएगा। ये फोन की परफॉर्मेंस गाइस आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी, हाँ बहुत, अगर आप हाई एंड गेम हाई सेटिंग्स में कर रहे हो तो स्लाइडली आपको लैग वगैरह देखने को मिल जाएगा, बट वो गेम रन बराबर करेगा। अगर आप मीडियम सेटिंग्स या लो सेटिंग्स में खेल लोगे तो गेमिंग वगैरह भी ये फोन में बहुत ही बढ़िया रहने वाली 5 से 6 हज़ार के फोन में।
साथ ही साथ यहाँ पर डे टू डे टास्क में भी आपका स्टॉक एंड्रॉइड है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से फोन रन करेगा। यहाँ पर रैम और स्टोरेज की बात करते हो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया दो वेरिएंट में आता है 3GB 32GB 2GB 16GB, बट गाइस एक चीज यहाँ पर ये अच्छी है कि यहाँ पर आपको दो सिम के साथ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस बात करते हैं यहाँ पर ये फोन के कैमरास की, तो बैक में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि 5000-6000 के हिसाब से बहुत ही डिसेंट क्वालिटी की पिक्चर वगैरह ले लेते हैं। तो कैमरा गाइस 5 से 6000 में आप एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं रख सकते हो, फिर भी 5 से 6000 में आपको डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सेंसर्स आपको ये फोन में सभी तरीके के मिल जाएंगे, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको 5000 के डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। बैटरी लाइफ की बात करें तो गाइस बैटरी लाइफ भी बहुत ही डिसेंट है, 3500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि एक दिन से ज़्यादा ही आपका नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ पे यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की बात करते हैं तो गाइस स्टॉक एंड्रॉइड टैब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, नूगट 7.1.2 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो गाइस 5000-6000 में वैल्यू फॉर मनी किलर डिवाइस आप बोल सकते हो ये प्राइस पॉइंट पे। तो गाइस 5000 वाला मैं इतना रेकमेंड नहीं करूंगा, अगर एकदम स्ट्रिक्टली बजट है 5000 का तो ही परचेस करना, वरना 6000 वाला गाइस ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टोरेज भी ज़्यादा मिल जाएगी, रैम भी ज़्यादा मिल जाएगा, तो 6000 में 32GB + 3GB बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 6000 वाला आप जाके परचेस कर सकते हो, नीचे बेस्ट बाय लिंक दे दो 3GB 32GB वाले वेरिएंट की। तो फ्रेंड्स फिफ्थ और लास्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं जो कि आप 7000 में इंडिया में परचेस कर सकते हो फरवरी 2018 में, यह आता है शाओमी की तरफ से। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन है, देश का स्मार्टफोन भी आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पर ये डिवाइस का नाम है शाओमी रेडमी 5A। गाइस ये भी आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, गाइस एक 3GB 32GB वाला, एक 2GB 16GB वाला। 3GB 32GB वाले की प्राइसिंग रखी गई है 7000 रुपये, और जो 2GB 16GB की प्राइसिंग रखी गई है उसकी रखी गई है 5000 रुपये। तो क्या 7000 वाला मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगता है, तो 7000 वाला तो इतना रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 7000 में अगर आप चले जा रहे हो तो इससे मच बेटर डिवाइस आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, बट अगर आप 5000 का आपका स्ट्रिक्टली बजट है तो डेफिनेटली ये फोन चेकआउट करना बनता है। फीचर्स की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पर भी आपको यूनिबॉडी टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको रेडमी 4A में देखने को मिला था उसी तरीके का यहाँ भी राउंडेड टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। बट गाइस जो बैक पैनल है वो आपको प्लास्टिक मिलेगा डेफिनेटली, 5000 में आपको मेटल तो नहीं देगा कोई। और डिस्प्ले की बात करते हैं तो गाइस डिस्प्ले यहाँ पर आपको 5 इंच का 720p का IPS डिस्प्ले मिल जाएगा, 2.5D कर्व ग्लास भी आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की क्वालिटी मैंने पर्सनली चेक करा, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले 5000 के हिसाब से आपको मिल जाता है। व्यूइंग एंगल वगैरह भी आपको बहुत ही डिसेंट ये डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर, जो कि अगेन एक क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 1.4 GHz पे क्लॉक कराया गया है। GPU यहाँ पर आपको एड्रिनो का 308 का GPU देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर ये डे टू डे टास्क में तो ये फोन अटकता वगैरह नहीं है। हाँ गाइस अगर आप हाई एंड गेम हाई सेटिंग्स में कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये डिवाइस वर्क करता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको 5000 में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। कैमरास की बात करते हो गाइस यहाँ पर भी आपको 13+5 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जो बैक में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, डिसेंट शॉट्स वगैरह ले लेता है। 5000 के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस आपको ये डिवाइस में देखने को मिल जाएगा, फ्रंट कैमरा एज वेल एज रियर कैमरा दोनों की बात करो। सेंसर्स आपको ये फोन में सभी तरीके के नहीं मिलते, यहाँ पर आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर मिलता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप नहीं है, कंपास आपको मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको ये डिवाइसेस में देखने को नहीं मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की बात करते तो गाइस आउट ऑफ द बॉक्स नूगट 7.1.2 के साथ में आता है, और यहाँ पर आपको MIUI 9.2 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। 3000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि एक दिन आपका आराम से निकाल देगी, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन का 425A एज वेल एज 720p का डिस्प्ले रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से आपको एक दिन का यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा बैटरी से। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेडमी 5A मुझे बहुत ही फेवरेट मतलब अच्छा डिवाइस लगता है। 5000 वाला मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा, 7000 वाला मत लेना। पहले जो 7000 वाले डिवाइसेज वगैरह बताया 10 और ई वगैरह वो सब आप परचेस कर सकते हो, 5000 वाला कैसे टाइट बजट है तो डेफिनेटली आप ये फोन को चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि मैंने आपको अच्छे टॉप 5 स्मार्टफोन की वीडियो बना के बता दिया हूँ। हाँ गाइस मुझे पता है कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, बट गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, मुझे सब चीज़ प्रोस कॉन्स वगैरह सबको मिला के अच्छा वीडियो बनाना था। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेस्ट बाय लिंक सभी फोन का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर वहाँ से परचेज करते हो तो चैनल को थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।